24 फरवरी को युद्ध का एक साल पूरा हो जाएगा, लेकिन युद्ध अभी भी निर्णायक स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। दावा यह किया गया है कि अगर जल्द ही रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। उधर रूस यूक्रेन जंग अब और उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पर परमाणु जंग का खतरा अब और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर सबसे तीखे हमले कर रहा है। यूक्रेन के बखमूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेस, खेरसोन, खार्किव, सुमक, मिकोलाई, चर्नी, ज़ापोरिज़्या, नेप्रोपेट्रोस और लुहांस ओब्लास्ट में भयानक खून खराबा हो रहा है। वॉर जोन से जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यूक्रेन के सैनिकों का कहना है कि रूस के सैनिक सुनामी की तरह हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिकों की एक प्रचंड लहर को जब तक यूक्रेन के सैनिक गोलियों से भूनते हैं तब तक रूसी फौज की दूसरी टुकड़ी यूक्रेन के सैनिकों पर हमला कर देती है। रूस के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, मानो यहां रूस के सैनिकों की बाढ़ सी आ गई है। यूक्रेन का दावा है कि इस वक्त जंग में 30 यूक्रेनी सैनिक 200 रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक रूस के सैनिकों को जॉम्बी आर्मी कहते हैं, जो रक्त बीज राक्षस की तरह खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि बर्फ में भी मशीन गन लगातार फायरिंग करने के बाद इतनी गर्म हो जाती है जिससे सैनिकों के हाथ जल जा रहे हैं। अमेरिका के खुफिया एजेंटों ने दावा किया है कि यूक्रेन के पूर्व में लड़ाई तेज होती जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 6 महीने में अगर रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी मानते हैं कि अगर रूस के नए हमलों को नहीं रोका तो फिर यूक्रेन का वजूद रूस से खत्म हो सकता है। Лишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічна програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. यूक्रेन को पूरा भरोसा है कि नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ निर्णायक जंग में जरूर उतरेंगे। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता है कि नेटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो रूस के 4,173 एयरक्राफ्ट को तबाह कर देंगे। यूक्रेन को ये भी लगता है कि नेटो के 54,05,700 सैनिक रूस के 13,50,000 सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। यूक्रेन ये मानकर चल रहा है कि रूस के खिलाफ अब मजबूरी में नाटो और अमेरिका को जंग में उतरना पड़ेगा। रूस के इन्हीं मंसूबों पर रूस के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाली 24 फरवरी को दुनिया देखेगी कि रूस कितना ताकतवर और निडर है। Путин будет делать все, чтобы задуманное вот сейчас на конец февраля, как бы приуроченное к годовщине начала СВО, антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад активно вместе с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую отчетность. रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां परमाणु जंग का बहुत खतरा बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि पुतिन 24 फरवरी से पहले यूक्रेन पर किस तरह का हमला करते हैं, और साथ ही ये भी देखना होगा कि रूस से निपटने के लिए अब यूक्रेन के साथ नाटो और अमेरिका क्या रणनीति बनाते हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।